पाकिस्तान की जमीन पर पनाह ले रहे आतंकी सीमा पार दूसरे देशों के लिए नासूर बन रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बाद अब ईरान की सीमाओं को भी आतंकियों ने खून से लाल कर दिया है। लेकिन कब तक कोई देश पाक की इन हरकतों को बर्दाश्त करेगा? भारत से सीख लेते हुए ईरान ने भी पाक को गोली का जवाब गोली से दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में 5 मोर्टार दागे। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक बलूचिस्तान इलाके में ईरानी सेना की ओर से एक के बाद एक 5 मोर्टार दागे गए। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भी मोर्टार दागे जाने की पुष्टि की है, लेकिन किस मकसद से इस हमले को अंजाम दिया गया इसका खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बता दें, इसी महीने के पहले हफ्ते में ईरान ने पाकिस्तान को धमकी भरे शब्दों में अपने यहाँ के सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की नसीहत दी थी। ईरान ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो फिर ईरान की सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर देगा। इसके साथ ही अपने 10 सीमा रक्षकों की आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या के बाद से ईरान ने आतंक के खिलाफ हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है और पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ईरान के निशाने पर हैं, क्योंकि ईरान का मानना है कि जैश अल अदल आतंकी समूह ने लंबी दूरी की बंदूकों से उसकी सीमा रक्षकों को गोली मारी थी और यह हमला पाकिस्तान के अंदर से किया गया। जब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो गई तो ईरान ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। अपने सुरक्षा कर्मियों की शहादत का बदला ईरान ने पाकिस्तान में मोर्टार दाग कर लिया है। देखते रहिए डीबी लाइव।